आबाद में किन मुद्दों के साथ आखिर वो जनता के बीच जा रहे हैं? पहला सवाल सर यही है कि क्या मुद्दा है आपके पास जनता के बीच? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग कृषि पर आधारित काम ज़्यादा करते हैं, उसके अलावा फिर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ ज़्यादा काम लोग करते हैं, और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी जो कृषि के क्षेत्र में काम बाकी है और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम बाकी है, उन कामों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और बहुत सारे सिंचाई की योजनाएं यहाँ लोगों को हम भ्रमण के दौरान में देखा कि कुछ योजनाएं बची हुई है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। उन योजनाओं को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उस कार्य को समाप्त करें और लोगों को सुविधा मिल सके सिंचाई का, इसकी व्यवस्था की जाएगी। युवाओं के लिए खासकर बात की जाती है, बेरोजगारी के लिए, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं युवा बिहार में, उनके लिए क्या सोचा आपने, किस तरीके से रोजगार देंगे जहानाबाद के अंदर ही? देखिए, जहानाबाद में कृषि पर आधारित उद्योग बहुत लग सकता है यहाँ, और उसके अलावा भारत सरकार की और बिहार सरकार की काफ़ी कृषि पर आधारित योजनाएं चल रही है, जिसको अगर ज़मीन पर उतारा जाएगा तो बहुत लोग लाभान्वित होंगे। हम भ्रमण के दौरान में देखा है जहानाबाद में कि बहुत सारे लोग कृषि के क्षेत्र में सरकार की जो योजना है उसका लाभ लेकर के अब बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, टमाटर की खेती, अजवाइन की खेती करके काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। तो यहाँ के नौजवानों को हम सबसे पहले, जो भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और उनका सबसे पहला ख्याल है कि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान रोजगार खोजने के लिए प्रयास नहीं करें, रोजगार पैदा करने के लिए प्रयास करें। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ के रोजगार को और बढ़ावा दिया जाए और यहाँ के नौजवानों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जो भारत सरकार या बिहार सरकार से चल रही है योजनाएं, जिसको वो लोग एडॉप्ट करके और अपना जीवन यापन भी करें और दूसरे को रोजगार भी मुहैया कराएं। जनता के बीच आज जा रहे हैं तो कैसा समर्थन आपको दिख रहा है और कितने आपने इस लोकसभा के अंदर, कितने विधानसभा क्षेत्र को अब तक पूरा कवर कर लिया है? करीब करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने भ्रमण कर लिया है और हम जहाँ भी जा रहे हैं सभी जगह सकारात्मक सपोर्ट हमको मिल रहा है और हमको लग रहा है कि NDA के पक्ष में जहानाबाद की जनता मन बना चुकी है और 19 तारीख को भारी मतों से NDA के पक्ष में लोग मतदान करने का काम करेंगे। NDA में दो बड़े चेहरे माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, तो आप किनको लेकर के जा रहे हैं, कौन सा चेहरा? देखिए, ये तो अभी तो NDA, जब आपने कहा NDA के मतलब ही है कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों विकास पुरुष हैं, दोनों कार्य कुशल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और दोनों निष्कलंक हैं, कोई कलंक इन लोगों को नहीं लगा सकता है, और इस तरह के नेतृत्व को लेकर के हम जा रहे हैं और उन सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उन लोगों का, उसको हम लेकर के गाँव में जाते हैं और उसका काफ़ी समर्थन है। जो RJD के प्रत्याशी है सुरेंद्र यादव और एक युवा यहाँ से चंद्र प्रकाश यादव भी खड़े हैं, तो कितनी कंपटीशन मान रहे हैं आप? देखिए, चुनाव में तो उसे सब कुछ खड़ा होते हैं, सबको अधिकार है चुनाव में जाने का, हम भी उसी क्रम में, चूंकि हमको जनता दल यू का टिकट मिला है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे कंपटीशन में है, हमको पूरा विश्वास है कि हम बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि हमारे मुकाबले में अभी जहानाबाद में कोई नहीं है। बहरहाल, आप देखते रहे हेडलाइंस बिहार, कैमरा पर्सन राज तिलक के साथ मैं तनवीर आलम।